सोसाइटी ने दिया हुआ है ना कि यू शुड लुक लाइक दिस दिस हेलो एवरीवन इज अंकुश योर मॉडर्न जेंटलमैन एंड यू हैव इन टू द जेंटलमैन शो बाय द मैन कंपनी जहां पे हम वो हर एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ा होता है जिसके बारे में हम सोचते तो बहुत हैं बट बात नहीं करते और बात करते करते अब हम आ गए हैं डैड्स के टॉपिक पे बॉलीवुड में यार हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टेडाइप देखे हैं इंडियन डैड्स के कि वो एंग्री होते हैं खड़ूस होते हैं यू नो लाइक द बाबूजी इन डी डी एल जे क्लासिक एग्जाम्पल तो अब हमें डिस्कस करना है बिकॉज देर आर सो मच मोर टू फादर्स दैट वी हैव नेवर डिस्कस बिफोर सो दैट्स वाई वे हेयर टूडे एंड थोड़ा रिस्की टॉपिक है बहुत कुछ है बात करने को एंड वी हैव टू वेरी स्पेशल गेस्ट्स विद अस ये दोनों ही कमेडियंस हैं एक्टर्स हैं राइटर्स हैं काफ़ी टैलेंटेड है राजेश यादव एंड शुभम गौर एंड हाई एंड आई है ऑनेस्ट लोग तो राजेश शुभम सबसे पहला सवाल है कि पापा को पता के आए हो कि पॉडकास्ट में आ रहे हो नहीं <laughs> पापा को बताता भी तो उन्हें समझ नहीं आता क्या हाँ। क्या बोलते लेकिन मेरे पापा को पता है पॉडकास्ट क्या होता है अच्छा पता है हाँ, जिंदगी सुधर गई है पॉडकास्ट से अब रिटायर हो गए तो लड़ते रहते हैं मतलब लड़ते क्या रहते हैं हर चीज में आर्ग्यू करते हैं खाली आदमी कैसे टाइम पास करे शोज सारे निपटा दिए उन्होंने अब भी हैं। कर जितने हिंदी लैंग्वेज में जितने शोज हैं आई थिंक इंडिया में जितने बने हैं उन्होंने सारे निपटा दिए उनसे अब तो वो हमें करेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये फैमिली मैन में नहीं है ये तू मिर्जापुर की बात कर उनको रट गए उन्होंने सब निपटा दिया लॉकडाउन से लेके अब तक तो फिर मैंने कहा आप इनको कैसे बिजी रखा जाए क्योंकि खाली होते फिर उनका वो हो जाता है कि दाल में नमक कम है पर्दे ठीक नहीं है तेरे जूते साफ नहीं है हर चीज़ पे फिर खाली आदमी तो इनको बिजी रखो हाँ तो बिजी रखने के लिए फिर मैंने उनको ब्लूटूथ ईरफोन एक दिलाए और मैंने कहा आप ये अपने कान में डाल के रखो नॉइस कैंसिलेशन वाले लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनाई नहीं देगा और अपना उनको और आप कुछ कहोगे नहीं हाँ तो उनको तीन चार पॉडकास्ट मैंने सब्सक्राइब करवा दिए अभी

<laughs> वो देखते हैं उन्होंने महाभारत देख ली होगी कोई साठ सत्तर बार पूरी उसमें ही उनको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है और बाकी ये सब पॉडकास्ट वगैरह इंटरनेट पे वो सब इतना कुछ नहीं देखते मेरे पापा भी ज़्यादा नहीं देखते पर मेरे पापा सोशल मीडिया काफ़ी देखते हैं और मेरे पापा मम्मी दोनों के दोनों वो मुझे बोलेंगे हमने ना तेरा वो आया था इंस्टाग्राम पर हमने देख लिया और उनको अभी तक ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे वही आएगा जो तुम डालोगे <laughs> तो दे कमेंट मी तेरे बारे में वो आया था ना हमने देखा था <laughs> और मैं बोलता हूँ वो मेरी स्टोरी थी पापा मुझे पता है मैंने ही डाली थी तुम लोग के पापा व्हाट्सएप पे ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम उनको कोई भी मैसेज भेज दो रिप्लाई आता है वो थम्सअप एक थम्सअप नहीं। <laughs> नहीं आता मैं इस मामले में बहुत मेरे पापा ना सोशल मीडिया चलाते, है ना चलाते है। okay. हैं ना चलाते हैं हैं अरे ओके कॉल करते जिसको करनी होती है <laughs> बस वो उन्हें पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ बाहर मेरा क्या चल रहा है किसको गाली दी किसके बारे में वीडियो बारे उनको कोई मतलब नहीं। <laughs> तो हाँ मेरे पापा हैं मैंने उनको ला दिया इस सब पे की ठीक है उनकी लाइफ आसान हो गई है अब और वो व्हाट्सऐप पर हैं जब हम घर पे होते हैं तो उनके सामने होते हैं तो वो हमें कोई मैसेज नहीं करते जब जैसे मैं शूट्स पे होता हूँ तो गुड मॉर्निंग मैसेज अपना लिख के भेजते हैं ऐसा नहीं कि कुछ उठाजन ओरिजिनल <laughs> और क्रिएटिव भी हर दिन तो ये की है, ये हाँ है। ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनके अंदर ब्लाग 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 भी मैंने उनका चालू करवाया लिखना चालू किया तो वो हर दिन वो अलग अलग दिन के हिसाब से जैसे आज ट्यूसडे है तो आज लिखेंगे कि हनुमान जी का आशीर्वाद तुम पे सदैव बना रहे अगर मंडे महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे संडे को कई बार कंफ्यूज होते हैं आज किसका आशीर्वाद <laughs> तो फिर अपने फेवरेट किसी का भी डाल देंगे आज इन तो कस्टमाइज मैसेज हर दिन भेजते हैं और मेरे पापा का क्या है वो हिंदी में टाइप करते हैं हाँ, तो एक तो होता है की इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग वाला हाँ, कि आप इंग्लिश में लिखो शुभम और वो हिंदी में आ जाएगा वो हिंदी वाले मात्रा वात्रा वाले में करते हैं और वो क्या है वो भी इतना अच्छा नहीं है तो गूगल से भी अगर कोई सुन रहा है ये पॉडकास्ट तो प्लीज फिक्स करो उसे उस कीबोर्ड को थोड़ा अच्छा बनाओ यार वो बहुत डिफिकल्ट कीबोर्ड है एजेंडा बदल गया इस पॉडकास्ट का <laughs> सॉरी नहीं अरे अपने पापा की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो पापा हिंदी कीबोर्ड चलाना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे पापा होंगे तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी तो अब मैं देखता हूँ कि उनका इतना ही मैसेज होता है आशीर्वाद उसको टाइप करने में उनको पांच छह मिनट लग जाते हैं तो उनको वो सिखा देना इंग्लिश वाला नहीं नहीं जितना भाई सही है ना छः मिनट किल हो गए उनके दिन के अब सोच <laughs> अब बाकी कुछ बारह चौदह सौ मिनट ही बचे हैं मेरे को है कि जितना टाइम इनका किल हो जाए उतना अच्छा है बट राजेश की तो कोई टेंशन नहीं है कि सोशल मीडिया पे वो चेक करे कि ये क्या कर रहा है क्या वीडियो बना रहा है नहीं कोई मुझे कोई टेंशन नहीं है मतलब वो यूट्यूब आजकल वो चलाना शुरू कर दिया ना लेकिन यूट्यूब पे भी ऐसा कहानियां वगैरह ही देखते हैं बच्चों के साथ जो मेरे नीस और नेफ्यू हैं तो उनके साथ बैठ के वो भी वो कहानियाँ देख लेते हैं उसके अलावा वो खुद कुछ नहीं सर्च करते ना देखते और अपना न्यूज़ वगैरह देखते खुश रहते हैं फिल्में वगैरह देख लेते हैं वो भी टी पे जो आ रही है यूट्यूब वेब पे कुछ नहीं देखते वो अपना अलग सॉर्टेड रहते हैं वो दिन ऐसे लोगों से पूछते हैं कि राजेश कर क्या रहा है मुझे बताओ ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं ऐसे मुझसे ही पूछ लेते हैं अच्छा क्या चल रहा है भाई आजकल कल तो फिर मैं एक आज चीज़ बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि ये तो बता ही सकते हैं करियर समझ आते हैं अंकल को तुम्हारा अब समझ में आता है जब देखता है कि हाँ पैसे वैसे हैं इसके अकाउंट में <laughs> जब तक नहीं थे तब तक तो नहीं समझ में आया तब तक तो हर दूसरे तीसरे महीने पढ़ाई चल रही है पढ़ाई नहीं छोड़नी है है <laughs> जॉब देख लेना साइड में ये तो चलता रहेगा यार दिस इज वेरी ट्रू आई फील दैट स्पेशली विद मिडिल क्लास पेरेंट्स होता क्या है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो कुछ नया कर रहे हो तो पहले तो वो अप्रीहेंशन होगा कि यार तुम क्या कर रहे हो पढ़ लो तुम्हारी एजुकेशन पे इतना पैसा लगाया हो सारा बर्बाद हो रहा है मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा है hmm. पांच साल उनका पैसा बर्बाद किया उसके बाद बोला कि मुझे राइटर बनना है फिर बोले अच्छा है ये क्या? ये ये क्या से रिलेशन आया बेटा <laughs> <चला> <laughs> तो <laughs> तो मतलब अब, अब आर्किटेक्चर <laughs> तो <मैं फादर laughs> so <laughs> हाँ, तो ही बदलते जा रहे हैं हाँ, हर साल <laughs> एक चुन ले भाई हाँ, हाँ हर साल मतलब तो झेल जाता है पापा की चलो इसको यही बनना है Once he started seeing that, जो मैं काम था तो तब मैं बहुत डम था मतलब <laughs> ऐसे मैं बोलना तो कुछ और चाह रहा था बटना हुआ था तब और मतलब मैं पढ़ाई वाइज अच्छा था बट मैं इतना लेज़ी था कि मैं खुद से सर्च नहीं करता था कि यार देख ही लूँ कि क्या कोर्सेज चल रहे हैं क्या बढ़िया हो रहा है मैं क्या कर सकूँ मैं एक्सप्लोर ही नहीं करता था मेरा था कि यार मेरे जितने मार्क्स वाले क्लास के बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं अच्छा सी करना चाह रहे हैं मैं भी वही कर लेता हूँ फिर काउंसलिंग वाले आए स्कूल में वो पूरा सी को ऐसे चमका के चले गए कि सबसे सबसे आपको कौन लगता है कौन इंडिया में सबसे अच्छा कर रहा है 2012 में मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने बोला कि सचिन तेंदुलकर तब तो था वो अपने पीक पे मतलब पीक पे नहीं बोल रहा हाँ फेमस था मैं क्रिकेट फॉलो करता था तो कहते हैं अब आप सोचो सचिन तेंदुलकर इतने पैसे कमा रहे हैं उसको बता कौन रहा है कैसे खर्चने कैसे सेव करने सीए भाई सचिन नहीं बनते सी ए बनते बनते हैं क्योंकि शायद कोई सचिन तो कोई बनी रहा होगा हम उसका मैनेज कर लेंगे तो वो मुझे सी ए वाला पूरा बेच के चले गए

और ये जो बात उन्होंने की ये भी मुझे बहुत साल बाद जाके पता चली वो गए मेरे ट्यूशन टीचर के पास जिनसे मैं मैथ नहीं, नहीं, उनसे अच्छा रिलेशन था मेरा अच्छा। वो भैया भी इतने अच्छे थे मोहित भैया थे तो एक तो जब वो सर से भैया हो जाते हैं शाउट आउट मोहित तो भैया सबसे हाँ। पहले तो और मोहित मतलब वो सर नहीं है ना सर होते हैं आपको लगता है कि मारते होंगे बेटा तो मेरे पापा गए मोहित भैया के पास मुझे नहीं बताया उन्होंने मुझे तो पांच साल बाद पता चला कि ये तो सीए करने की कह रहा है कर पाएगा इससे हो जाएगी ये उन्होंने मुझसे नहीं पूछा उससे उनसे पूछा।, पूछा।, पूछा सुन लिया कि हाँ दिमाग तो है इसमें कर लेगा और उसका खुद के मन ने तो जाने दो और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कुछ नहीं पूछा बोले हाँ। ठीक है हाँ तो ठीक है तू कर ले पता कर ले कैसे क्या होगी सारा सब मुझ पर छोड़ दिया और करने दिया मतलब उन्होंने कभी मुझे ये भी नहीं बताया क्या करो और कभी ये नहीं ये भी नहीं बताया कि क्या मत ऐसा उल्टा कभी हुआ है कि पापा ने सेव किया हो मम्मी से डांट खाने में ऐसा कभी दोनों में से किसी नहीं शुभम लाइक नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता <laughs> नहीं मैं वही ना मेरे पापा का शेड्यूल इतना बिजी रहता था हाँ। कि सुबह आठ बजे निकल गए और रात को दस बजे आ रहे हैं और उसके बाद लेकिन हाँ मेरे पापा बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो सिर्फ एक चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट उसके लिए आज तक स्ट्रिक्ट हैं सफाई उनको जितनी मतलब सैनिटाइजर मैंने 2004 में देख लिया था क्या होता है <laughs> जैसे लोग अभी सैनिटाइजर गया मुझे बचपन से पता है सैनिटाइजर और पेपर सोप हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे बैग में सबसे पहले यही रखा जाएगा उनको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा है इतना ज़्यादा है उनकी दुकान के थोड़ा आगे कूड़ा पड़ता था उन्होंने वो धरना करके हटवाया

और मम्मी से बचाने वाला उनका कुछ होता नहीं था वो केयर नहीं करते थे कि हाँ पिट रहे हैं तो ये वो करो <laughs> <laughs> बट यार मुझे एक बात होता है ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में एंड आई एम मे बी आई एम प्रिटी श्योर कि हम तीनों के साथ ये चीज़ सेम रही है कि ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में और मेरे ऐसे काफ़ी सारे स्कूल फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि यार हमने ना अपनी फर्स्ट ड्रिंक पापा के साथ पी और मेरे पापा तो मुझसे पूछते रहते थे कोई गर्लफ्रेंड है तेरे कोई बॉय फ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह रिलेट करते हो नहीं तो जैसे ड्रिंक तो मेरे पापा भी नहीं करते ओके मैं भी नहीं करता बट जैसे मम्मी को इस पे इश्यू हो जाता है कि नॉन वेज क्यों खा लिया हाँ। पापा चिले हाँ। जैसे हाँ अब ड्रिंक की नहीं है मेरे केस में वो ऑमलेट है हाँ। तो मैं बताता हूँ कैसे कि मेरे पापा की शॉप की साइड में एक हाँ। शॉप थी जिसमें तीन चार चीजें बनती थी हाँ। कि वो चाय की दुकान से शुरू हुई और बड़ी दुकान थी तो फिर सर्दियों में उन्होंने ऑमलेट भी लगाना शुरू किया और अंदर गेमिंग पार्लर भी खोला अब गेमिंग पार्लर तो मेरे पापा सारे कुकर में तो गेमिंग पार्लर तो मेरे पापा ने भी अलाउ नहीं किया और मेरे को भी वही इसने तो वो विजुअल देखा है मैंने सालों तक वो विजुअल ही नहीं देखा था और मैं दुकान इसलिए बहुत ज्यादा था कि मेरा स्कूल का पिकअप पॉइंट वही था तो सुबह वहीं से जाऊंगा दोपहर तो हैं उतरूंगा और फिर पापा घर तब छोड़ने जाएंगे जब थोड़े फ्री होंगे या तो मैं दुकान पे अच्छा खासा टाइम मेरा बीतता था तो क्या आ रहा है साइड से आवाजें आ रही हैं पूरा गेमिंग की जितनी सारी <laughs> आवाजें हैं पूरा खेल रहे हैं और लग रहा है कि इस एएसएमआर को बिना कॉन्टेक्स्ट के मत सुनिएगा प्लीज थैंक यू तो और 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 लग रहा है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं अंदर से वो ऐसी

खुशबू फैलती थी वातावरण में और कभी टेस्ट नहीं तो आ, मैं ऑमलेट को खुशबू से ही पहचानता हूँ आज भी टेस्ट अच्छा, से ज्यादा मुझे उसकी खुशबू याद है कि क्या होती है तो एक दिन मैंने हिम्मत करके बोल दिया कि ये तो एक बार खाने का मन है पापा ये, ये बहुत सही लगता है तो अगेन उनका की हाथ धो के खाना पड़ेगा तो दुकान पे मेरे हाथ धुलवाए बनाने वाले के हाथ धुलवाए पैन उससे साफ करवाया अच्छे से पूरा बनवाया और मुझे पहला ऑमलेट पापा ने खिलाया और खुद नहीं खाते थे वो अंडा मेरे को खिलाया अच्छा लगा चल ठीक है हफ्ते में एक बार या दो बार खा लिया करना हम ऐसे प्योर वेज फैमिली हैं तो उसमें पापा ने वो अलाउ किया फिर अभी ऐसे बीच में मैं डाइट वाइट पे गया था एक एक्टिंग रोल के लिए तो उसमें पूरा स्ट्रिक्ट था कि यही खाना है यही खाना है तो पापा इनफैक्ट अंडों को घर तक लाने पे भी मम्मी को उन्होंने कन्विंस करा दिया कि मैं पकाऊंगा

चल एक ढक्कन पीले सर्दी भाग जाती है <laughs> इससे ज्यादा कुछ नहीं वो भी आम, पापा एक ढक्कन पिलाना ये नहीं आ, पापा ने बोल दिया कि चलते नाग भैरी एक ढक्कन पीले हो जाएगा आ, इससे ज्यादा कुछ नहीं यार वो तो काफी कूल होते मैंने भी सुने काफी लोग कहते हैं कि भाई मैं तो पापा के साथ चिल कर लेता हूँ पापा पूछते है कि हैं कि तो मिला आ, दो नहीं भाई नहीं अब अब इस एज में आके अब वो मुझसे नहीं पूछेंगे वो शायद मम्मी से पूछ लेते कि हाँ इससे पूछ लो भाई इसका कुछ चल रहा हो तो यही कर ले अपने आप अप। हाँ। नहीं तो हमें बताए फिर हम कराए हाँ। वैसे वाला वो, वो, वो भी मुझसे नहीं शादी करानी, करानी है वो भी मुझसे नहीं ऐसे मैं बोलूँगा शादी नहीं करनी गर्लफ्रेंड है तो शायद वो ड्रामा करेंगे भाई फिर क्यों बट यार ये मम्मी और पापा के साथ जैसे हम बिहेव करते हैं ना बहुत डिफरेंस होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मी आई डोंट नोट इन केस क्योंकि अभी तक मैं जो शुभम से पूछ रहा हूँ उल्टा ही जवाब मुझे मिल रहा है सो दिस इज दिस मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर शुभम बट आई एम श्योर इट विल फॉर यू राजेश कि जैसे मम्मियों को जैसे मम्मियों से प्यार से बात करना ज़िद करना लड़ाई करना इट्स सो so इजी बट वहीं वहीं चीज अगर पापा को बोलनी हो तो टोन बदल जाती है वॉइस की पिच बदल जाती है और मतलब ऐसे अच्छी

अच्छा नहीं हाँ लेकिन इससे मेरे को ये याद आया कि हाँ जो ये मेरे पापा को तुम लोग कह रहे हो ना वो इतने अच्छे कैसे हैं तो वो इसीलिए हैं कि मेरे दादा नहीं थे अच्छे फादर जितने मेरे पापा हैं जैसे वो यही बोलते हैं कि हमें तो कुछ अलाउड नहीं था हमारे ऊपर तो बड़ी रोक टोक थी और मेरे दादा वैसे थे कि मैं सब सिखाऊंगा मैं हाथ पकड़ के चलाऊंगा तो मेरे पापा का ऐसा था कि साइकिल भी अगर लेनी है ना तो हेल्पर वाली मत लो चलाओ गिरो सीखो

माय डैड वाज़ अ सीनियर सू शेफ एट अ वेरी गुड फाइव स्टार होटल उसके बाद ही वाज़ जिस घर पे बैठे बैठे ही वाज़ लाइक मैं क्या करूं थिंक हमारे डैड्स इतने यूज्ड टू होते हैं पूरी जिंदगी पर काम करने के कि रिटायरमेंट के बाद डोंट नो हाउ टू लिव

उसके पास नाले के ऊपर थोड़ी सी जगह खाली है वहाँ मैं भी अरे और बिजनेस प्लान एक भी ढंग का नहीं लेंगे वही लेंगे जिसमें सफरिंग हो कि खुली धूप के नीचे टेलर की मशीन लेके बैठू <laughs> हाँ ये नहीं कि कुछ हाँ कोई बिजनेस जिससे आपका हाँ, इंप्रूव हो। जैसे मेरे एक चाचा उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है तो अब ये नहीं बोलेंगे कि वहां मैं अकाउंटेंट गार्ड लग जाऊं वहां वहां अरे अकाउंटेंट भी तो लग सकते हो गार्ड क्यों लगे ये तो I think, उनका आइडिया ऑफ आउट ऑफ इट वो नहीं होगा तो मतलब फिर पैसा अगेन दैट इज आल्सो जस्ट द लाइक मेरा टॉकिंग ऑफ पॉइंट ऑफ कंटेंशन की आपकी अपने फादर से किस बात पे नहीं बनती थी ऐसा नहीं कि मेरी बनती नहीं है उनसे बट लाइक रियलाइज्ड ओवर इयर्स बिकॉज मैं स्कूल में बाकी लड़कों को देखता था आई वाज लाइक यार मैं इनके जैसा नहीं हूँ स्पोर्ट्स नहीं खेलता मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है मैं ज्यादा आर्टिस्टिक हूँ और फिर घर आके मैं देखता था मेरे पापा वज दी हु वाज लाइक इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स एस इन दैर एंड ही वुड कीप टेलीमी की को खेलना चाहिए तुझे ये करना चाहिए तुझे वो करना चाहिए तो वाइल ग्रोइंग अप आई थिंक दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ कंटेंशन की यू नो लाइक वी आर वेरी डिफरेंट एंड वी बोथ मैन बट हिज आइडिया ऑफ बींग इज दिस सो आई थिंक वाइल ग्रोइंग अप वो थोड़ा डिस्टेंस था कि आई वॉज जस्ट मोर क्लोजर टू माई मॉम बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक उटकास्ट थोड़ा तो दैट वॉज माई पॉइंट अपलाइज उनकी भी कंडीशनिंग थी इट्स नॉट लाइक वो इंटेंशनली वैसे थे दे वर ऑल्सो दे ग्रो अप इन टाइम जब ये सेक्सिज्म और इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं होती तो तुम उनको किस टाइम तक ही ब्लेम कर सकते हो आफ्टर अ पॉइंट आईव जस्ट एक्सेप्टेड हिम You know, तो हम, हम भी, भी खुद जब ऐसे सर्कल हमारा चेंज हुआ किताबें पढ़ी तो हम, हम लोग भी, तो भी सीख रहे हैं हाँ हमें तो हमारे लिए काफी चीजें अब भी नई लगती है हमें हाँ। कभी लेकिन पापा को ऐसे वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए कि पापा पे लाइक आजकल जैसे फॉर एग्जांपल कभी पापा को समझाने की कोशिश करिए कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है पापा ये सेक्सिज्म है पापा ये मिसोजिनी है नहीं मेरे तो टॉक्सिक तो नहीं है पहले हाँ। तो यही नहीं इन जनरल उनको कभी समझाने अच्छा की कोशिश करिए हां हां आई थिंक तो सबसे तो ज्यादा उनको ऐसे एलजीबीटी हाँ, समझाया है हाँ। वो उनको पता है समझ आया उनको हां इट्स फाइन विद इट ओके घर पे मत बस <laughs> <Right>. <laughs> नहीं करी भी है कि यार पापा अभी जैसे पीछे पड़े रहते हैं कि शादी शादी शादी, शादी मुझसे छोटा भाई है उसकी ज्यादा चिंता करते हैं पापा हाँ. अभी उसकी उम्र नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर मैंने उनको वही समझाने की कोशिश की अभी देखो एज है फिर एज के साथ में थोड़ा सा होगा मेंटली थोड़ा ग्रो होगा तब शादी के लिए तैयार होगा वो थोड़ा concept उन्हें समझाने कोशिश की ऐसा कुछ इसके तो ऐसे कुछ But नहीं कभी <laughs> पाओगे पापा को क्या होता है <laughs> मैं नहीं छुपाना तो पड़ेगा पड़ेगा ऐसे <laughs> हाँ, ही, हाँ, ही बोलना पड़ेगा कि हाँ, पापा साथ में रहते हैं ये नहीं बता सकते कि हाँ इन का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है पापा कितने री बहुत ज्यादा oh. नहीं ओके मैं हूं मेरे सबके साथ नहीं लेकिन अपने दो तीन लोगों के साथ हम्म ओके बट ऑन ऑन द अदर हैंड आई थिंक मैं आई एम फेयरली इमोशनल आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस बट डू यू थिंक दिस राजेश मुझे ये तुझसे पूछना है कि यू से दैट यू आर नॉट वेरी इमोशनल डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द वे यू हैव बीन रेज्ड एंड यू हैव सीन योर फादर बी अ सर्टेन वे ऐसा ऐसा है हो सकता है यार इसका कहीं ना कहीं असर हो इस चीज का भी क्योंकि मतलब नहीं देखा घर पर ऐसा कुछ माहौल कि कभी भाई बहुत इमोशनल हो गए उसने कुछ बात लड़कों करीब नहीं देखा हाँ हा। पापा ने या कभी कुछ ऐसी बात करी हो तो हाँ कह सकते हैं और कभ, जैसे स्कूल में पढ़े यार दोस्तों के बीच जैसे रहे कोई ऐसा नहीं आ, वही वाली बात की कोई रो दिया तो क्लास में बात हो गई कि भाई रोने लग गया यार ऐसे तो रो रहा था तो ये इन चीजों का असर पड़ता है जरूर और कह सकते हैं कि ये पूरा जो जैसा जिया है ना अभी तक उसका असर है अभी भी Hmm. कितना ही हम चेंज हो जाए कितना तो कहीं तो कही तो ना कहीं वो अंदर रहता है yeah. वो नहीं निकल सकता वो नेचुरल ना, हो चुका है वो तो ट्राई करते है कि हाँ पापा वोक तो नहीं थे बट लिबरल तो थे सब कुछ अलाउ किया तो वो मेरे अंदर भी है जिसको जो करना है नहीं बट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इमोशनल लाइक वेन इट इज फीलिंग सैड Hmm. अगर आप अपने फादर को ये एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखते तो आपको पता ही नहीं होता बॉयज डोंट क्राई आई थिंक इट इज अजिट कंडीशनिंग दैट वी गो थ्रू एज मैन नहीं मतलब जैसे बचपन में हमेशा लगता है कि यार रोना गलत बात है नहीं रोना चाहिए तो फिर तुम अपने डिफेंस मेकेजम्स बना लेते हो कि यार मुझे ना मैं एंगर में निकाल दूंगा उस चीज को बचपन में मैं ना मतलब अ, जब छोटा था ऐसे तीन चार पाँच साल का मुझे हल्का हल्का याद है तो मैं मेरे को ऐसा जोर से चिल्लाता था मैं रो देता था hmm. किसी ने चिल्लाना क्या कर रहा है तो मेरा एकदम रोना शुरू हो जाता था वहां तो मेरे को मेरे ये मैंने सुनी है कि क्या लड़कियों की तरह रोता है exactly. बहनें थी मेरे घर में क्या इनकी तरह रोता रहता है एंड इमेजिन हम लोग तो फिर भी हम सेम थिंग

फेवरेट नहीं मैं वर्स्ट बताता हूं I mean, vibe, <laughs> vibe नहीं। vibe. वो आई मीन इफ यू वांट टू चेंज द वाइब वाइब श्योर इट्स इट्स अ इट इट इज विल स्टिल बी फनी बट ये मेरे पापा का एक ऐसा किस्सा है जो मतलब मेरे को हमेशा याद आएगा तो जैसे उन्हें बहुत सफाई पसंद थी hmm. सफाई से भी यही हुआ कि आइसक्रीम खा सकते हो गोला नहीं खा सकते hmm. क्योंकि आइसक्रीम पैक्ड है प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड है वो खाओ गोले वाले के हाथ पता नहीं गंदे हैं कैसे हैं वो तुम कभी नहीं खा सकते तो मैंने लाइफ का पहला गोला ट्वेल्थ के बाद खाया ट्वेल्थ तक कभी गोला नहीं खाया तो अब एट्थ नाइन्थ क्लास की बात है हम एक शादी में गए और बड़ी महंगी शादी थी कि शादी में गोले का काउंटर लगा हुआ था <laughs> तो मैं और सलोनी एक्साइटेड कि सलोनी बस हमें पाँच मिनट चाहिए जब ये आदमी हमारे साथ ना हो हम सीधा वहाँ जाएंगे और लाइफ का पहला गोला खाएंगे हाँ। तो दोनों बहुत एक्साइटेड मम्मी तो फिर जब एक बार संगीत वंगीत शुरू हुआ उसमें लग गई बिजी हो गई पापा हमें प्रॉपर ऐसे जैसे लीश थी नहीं बट कंट्रोल पूरा हमें कर रहे थे कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना क्योंकि उनको लगता था खो जाएंगे किडनेप हो जाएंगे सारी गल जो लगती तो वो हमें रेस्ट्रिक्ट करके प्रॉपर घूम रहे थे अब फिर कहीं और एक उनकी एज का एक और कोई बंदे आए होंगे उनके साथ उनका हाई हाई शुरू हुआ करते करते वही कोट पहन के जेब में हाथ डाल के टहलते टहलते निकल गए इधर उधर कहीं पर तो हमें लगा कि भाई यही मौका है चल जरूर तो हम सीधा गए हमें फ्लेवर भी नहीं पता कि गोले के फ्लेवर क्या होते अब यह जो टेस्टी वाला है वो बना दो हम तो पहली बार आज चखना है अब बन गया रेडी हो गया मेरे हाथ में आ गया सलोनी का बन रहा है तो मैंने ऐसे डिप किया ले के आया और ये मेरी लाइक मतलब दिमाग में फिफ्टी एफ में ही सेट है कि मैं ऐसे धीरे धीरे ला रहा था ला रहा था ये ये होने वाला था तभी पीछे से कंधे पे खाता आया दूसरा इस पर झपटा फेंका वहाँ चाटा ही नहीं मारा बस ये क्या खा रहा है दोनों गोला खा रहे थे अगेन जैसे नशे कर रहे थे गोला खाना उनके साथ गोला खाते पकड़ा है दोनों को मैंने तो भोला खा लेते नहीं गोला खाते पकड़ा वो ऐसा इश्यू बना दिया कि संभाल के इनको दोनों को मैं जरा दो मिनट के लिए साइड हुआ खोला खा रहे पूरा हमें घरिया वहाँ पे अच्छे से

लाइफ में थिंक शायद दो तीन बारी देखा है रावण को चलते हुए और वो देखा है पापा के कंधे पे बैठ के oh. मतलब दैट्स जस्ट अ मेमोरी आई कांट फॉरगेट कि इतनी भीड़ होती थी इतनी भीड़ होती थी कि वो पब्लिक प्लेसेस में जो होते हैं ना रावण वगैरह जलाते हैं पब्लिक पार्क्स में तो पापा के कंधे पे बैठा होता था पूरा पंद्रह बीस मिनट वहीं बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ पूरा रावण जलते हुए यहाँ पे तुम्हारे पापा अच्छे सर्कस लेके गए रावण जलता देखने कभी नहीं लोग बहुत भीड़ आती है और पता नहीं कैसी कैसी भीड़ आती है वहाँ ना सेफ हो ना कुछ हो तो रावण कभी दिखाने नहीं लेके बट यू नो फेवरेट मेमोरी ऑफ माई फादर वॉज आई वॉज रियली रियली यंग एंड माई डैड हैड अ पैरालिटिक अटैक और ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था मेरी मेमोरी में यही है कि मैं उनके साथ रोज एक पलटून पुल नाम की जगह होती थी मेरे घर के पास जहाँ पे हम वॉक पे जाते थे रोज सुबह hmm. और हम लोग रोज सुबह जाते थे और हम गन्ने का जूस पीते थे hmm. और हम बस वॉक करते थे कुछ आई थिंक थर्टी मिनट्स और हमें रस्ते में से डक्स दिखती थी और मुर्गी के बच्चे दिखते थे और हम उनके खेलते थे ब्रेड खिलाते थे कहाँ पे होता था इसा? ये संजय झील मेरे घर के पास एक झील वाला एरिया वहां पे होता था तो वहां पे डक होती थी तो दैट्स जस्ट अ और मुझे बहुत बाद में पता चला कि पापा को रोज सुबह वॉक पे जाना इसलिए होता था बिकॉज ही जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम पैरालिसिस जो मुझे mm. पता नहीं था बट ऐसे mm. मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वॉक पे लेके जाते सुबह सिक्स ए एम आई वुड वेकअप टू सी डक्स

Inching closer to the end of this podcast, this has been a wonderful conversation. अब हमारा okay. next segment है कुछ करते हैं यार अब इसमें हमें कुछ fun कर रहे हैं ठीक है तो अब मैं तुम लोग को एक task दे रहा हूँ जो तुम्हें करना है Now, Shubham, you have to behave like your father, और Rajesh, तुमको अपने पापा जैसे बात करनी है और मुझे बस ये दो uncles के बीच में conversation सुननी है

बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर तो और मुझे ही सब सेक्रीफाइस करना होगा है, है। तो उनका हर दूसरी लाइन में यही रहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ तुम अब सब तुम्हें ही करना है और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा तो पापा की ये तो एक दो दो चार लाइन है जो फिक्स रहती है दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन इसको पढ़ाना है इसे कुछ बना के इसे कुछ बना देना है मेरा तो यही यही है मेरा जो लायक लड़का है और मेरे पापा इसके लिए कर रहा है मेरे पापा तो ड्रिंक नहीं करते बट मेरे भी एक रिलेटिव है काफ़ी क्लोज और उनको मैंने बहुत करीब से देखा कि वो ड्रिंक करके एक बार ही ड्रिंक करके आए और बोलते हैं अपने बेटे को कि भाई आज मैंने तेरे को क्लब पे मेरे को रिपोर्ट आई है मेरे पास कि तू आज क्लब गया था ये ड्रिंक ड्रंक वो ऑलरेडी और, और सिगरेट पीते पीते बोल रहे हैं तू आज क्लब गया था तो उसने बोला कि हाँ पापा वो तो ऐसी दोस्तों के साथ नाचे नाचने गया था हाँ नाचो खूब नाचो मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए कमा रहा हूँ कि भाई हम तो कभी क्लब व्लब जा नहीं पाए हमारे बच्चे जाए लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि क्लब में पब भी था तूने थोड़ी सी दारू भी पी थी मैं मर जाऊँगा <laughs> मर जाऊँगा <laughs> मुझे जिस दिन पता चला ना कि भाई मेरा बेटा पी रहा है देख क्यों देख मेरे को सब रिपोर्ट देते हैं जितने पनवाड़ी है। अगर तू कहीं किसी से सिगरेट लेगा कुछ भी करता हुआ पकड़ा गया ला पूछ गई अपनी सब नशों का सामान उससे मंगा रहे। लेकिन तू पकड़ा गया, मैं मर तो उनका हम में जितनी बैड हैं है, वो तुम्हें उनका थकान इतनी हो जाती है ना ये ना लू ना नींद नहीं आएगी मेरे को तो और हमें आदत लगी मैं नहीं चाहता तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है सब मिलेगा बट हाउ डज बताओ वो ओवर ड्रामेटिक वाला उनका रहता है हर चीज़ पे कि हम तो फंस गए हैं ये वो और हाँ वो ऐसा दिखाएंगे जैसे उनके अब जो दोस्तों वोस्तों की कॉल आएगी जो उनसे पूछेंगे कि अब बच्चों का क्या चल रहा है तो उनके सामने फुल उससे शो ऑफ वाले मोड में जाते हैं कि तो शादी वादी क्या कैसे होता है भाई हमने तो इन्हीं पे छोड़ रखा है हम हमने टोका टाकी पसंद ही नहीं है कर लाएगा किसी को ले आएगा उसे मान लेंगे हमसे बोल देगा चाहिए तो ढूंढ भी देंगे हमें टोका टाक पसंद नहीं अब तो हम तो इनके आसरे हो गए हैं

यार मुझे लगता है कि जो इमोशंस uh, अंदर हैं आप वो निकाल सको हाँ आप वो शेयर कर सको बता सको तो आप तो एक्सप्रेसिव हाँ एक्सप्रेसिव हो हाँ इमोशंस बता पा रहे हो तो जेंटलमैन हो बाकी गलत काम मत करो आई थिंक मॉडर्न जेंटलमैन कैन ऑलमोस्ट बी लाइक माई फादर दैट्स नॉट वन वर्ड तो Can't define my father in one word. Father, oh. <laughs>

राजेश हाँ, बताओ हम दोनों तुम्हें देख रहे हैं भाई जून में आता है कभी अभी मैंने यही सुना है वो भी एवरीडे इज फादर्स एवरीडे इज फादर्स डे दैट्स योर फादर इज एवरीडे वॉश योर हैंड्स एवरीडे एवरीडे इज फादर्स डे गुड सो दैट वाज इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑन द जेंटलमैन शो आई एम अंकुश भोगना साइनिंग ऑफ एंड प्लीज गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक एट द रेट द मैन कंपनी एंड एट द रेट अंकुश भोगना एंड वी सी यू नेक्स्ट टाइम